तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनाइशा व्लॉग्स। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ मिली। तो वैसे मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी नहीं था इरादा कोई, बट मैं बना रही हूँ क्योंकि मैंने एक न्यू मेंबरशिप ज्वाइन करी है, तो इस रिगार्डिंग मुझे बनाना पड़ेगा। और तो इस टाइम पापा का ऑफिस से आने का टाइम हो रहा है, तो मैं इधर बना रही हूँ पापा जी के लिए आलू के पराठे और साथ में बोली का रायता। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेस्ट बना के रेडी कर रखा है। इस बार मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है। करा है और इसमें डाला है मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, अजवाइन और नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ा स्पाइसी करने के लिए। तो इधर मैंने आलू का पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। और गाइस मैं जब पराठे बनाती हूँ आलू के तो अंदर ही अंदर इतनी खुश होती हूँ कि मेरे जो पराठे हैं वो फटते नहीं हैं। और आज तक जब भी मैंने बनाए तो आज तक कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है कि मेरा आलू के पराठे फटे या कुछ भी। और ये जो पराठे बनाना सीखा थे मैंने, ये मैं अपनी मम्मी को देखती थी, ठीक है। वैसे कभी बनाती नहीं थी घर पे, मैंने मुश्किल से एक या दो बार ही ट्राई करे होंगे आलू के पराठे। और फिर जब मैं ससुराल में आई थी तो मैं सोच रही थी कहीं मैं आलू के पराठे ज़्यादा फट ना जाए या कुछ। अगर कहते हैं ना, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे हर चीज़ को लेकर तो कुछ हर चीज़ पॉसिबल होती है। तो मेरा सारा घर का काम फाइनली ख़त्म हो गया है। मैंने तीनों कमरों का आंगन वांगन की धुलाई कर दी है। आप देख सकते हैं पूरा आंगन की धुलाई वुलाई कर दी है और यहाँ पर भी मैंने सारा काम कर दिया है। मेरा कमरा भी पूरा साफ है। मैंने कमरे की भी पूरी धुलाई कमरे की भी पूरी साफ सफाई कर दी है। और यहाँ पे स्पायरा सो रही है। हमारी वॉशिंग मशीन खराब हो रही है गाइस, तो इसलिए कपड़ों का ढेर लग रहा है। तो आधे कपड़े तो मैंने जब मेरे हस्बैंड गए थे, वो हिमाचल गए थे सेकेंड डे है, जब गए थे उनसे एक दिन पहले, तो मैंने उनके सारे सर्दी के कपड़े धो दिए थे, ठीक है। और गाइस मैं बना रही हूँ पराठे। पराठे की रेसिपी मैंने आपको दे दी है कि मैं क्या क्या डालती हूँ क्या क्या नहीं। और जब मैं बनाऊँगी रायता तो आपको रायते की भी रेसिपी दूंगी। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। ओके गाइस बाय। पाँच, ये दो, ये तीन, ये दो, ये पाँच। गाइस अब मेरी टर्न है, तो देखते हैं हम जीतते हैं यहाँ पे। मेरी आंखें बंद है, अच्छू चेक कर सकता है। ये कितने हैं? पांच, चार हैं, देख लो। हाँ। ये कितने हैं? एक, दो हैं। ये कितने हैं? चार, एक है, ठीक है। तो गेम स्टार्ट करते हैं। अच्छू ये कितने हैं? पांच। भाई तेरे को दिख रहा है? भाई तुक्का ही तो बैठ रहा हूँ यार। ये कितने हैं? दो। भाई तेरे को अब भी दिख रहा है? ये कितना है? एक। भाई अब भी दिख रहा है? ये कितने हैं? तीन। ये कितने हैं? तीन। तू देख रहा है? नहीं देख रहा। ध्यान दे, पट्टी बांध लो फिर आपको। चल बता ये कितने हैं? दो।
अच्छा तेरी आग फोड़ दूंगी मैं। नहीं दिख रहा। चलिए कितना है? एक। देख रहा है ना? नहीं देख रहा। चलिए बताइए, सुसु का निशान है पोटी का? कहाँ पर? अरे मेरी उंगली बता। सुसु का तेरे को दिख रहा है ना अंदर? गाइस ये चीटिंग कर रहा है। लो चुने अपना पूरा मुंह ढक लिया है। अब ये बता, ये सुसु का निशान है पोटी का? पोटी का। और ये कितने? दो। और ये? एक। ये? जीरो। तो गाइस चलो अब गेम स्टार्ट करते हैं फाइनली। 1 2 3 4 5 6। ओए एक पजल कहाँ कर दी बाबू ने? गंदी बात होगी। हाँ, और अनायशा के पास ना कैट का मुंह है, ठीक है? एक। हाँ डाल चुका हूँ। डाल का आ चुका मुंह देखो गाइस। पांचवा भी आ गया। हाँ भाई एक पदल कम है। नहीं ये रहा ना, एक दो तीन चार, चार हुए। एक पदल कम है भाई। बिल्ली का मुंह तो ये रहा। पीछे जा पीछे। हाँ तो अच्छू विनर हो चुके हैं अब, और अच्छू देगा मुझे 500 रुपए। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और मैंने मटर छील ली है इधर। मैं बहुत देर से मटर छील रही थी अंदर कमरे में बैठ के। और इधर है मशरूम, तो आप जान ही गए होंगे मैं आज क्या रेसिपी देने वाली हूँ आपको। आज बताऊंगी आपको मटर मशरूम की रेसिपी, और बहुत ही इजी रेसिपी, इंस्टेंट रेसिपी, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपने परिवार को खुश कर सकते हो इस रेसिपी को बनाकर। और तो आपको पता है शाम का टाइम हो रहा है, और तो अभी है चाय का टाइम। और गाइस एक आप बात और बता दीजिए, आपको आपको पता है घर में इस टाइम कोई भी नहीं है। मेरे हस्बैंड जो हैं हिमाचल गए हुए हैं। हिमाचल से जब मैं और अच्छू अभी गेम खेल रहे थे, तो उनका फ़ोन आया था, वीडियो कॉल पर हमने बात करी। तो हिमाचल का इस टाइम पर बहुत सर्दी है वहाँ पे, और इतना अच्छा व्यू आ रहा है, इतना अच्छा व्यू आ रहा है। और ये भी नहीं है कि सर्दी है तो धूप नहीं है, धूप भी बहुत खिली खिली आ रही है। और एकदम टॉप पे है पहाड़ों पे, वो किसी काम से गए थे वहाँ पे, जो भी वो काम करते हैं उससे रिलेटेड वो वहाँ काम पे गए हैं। और उनसे मैंने बोला था कि आप मुझे अपना थोड़ा ब्लॉग बना के भेजना, उन्होंने मुझे ब्लॉग बना के भेजा भी है। तो मैं थोड़ी थोड़ी शॉर्ट्स जो हैं वो उसमें ऐड ज़रूर करूँगी, और आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि हिमाचल कैसा है। और नेक्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला है कि अभी तो मैं हूँ इस टाइम के प्रोग्राम पे, अगली बार तो मैं भी लेके चलूँगा। तो अभी ध्यान रखना इस बात के लिए कि वो मुझे भी लेके जाएंगे। तो चलो करते हैं अपना ब्लॉग आगे कंटिन्यू। मैं तो गाइस इधर मैंने चाय के लिए पानी रख दिया है, कुछ डाल देती हूँ साथ के साथ ही। चाय आज कम बनेगी क्योंकि अभी भी बड़े जी तो नहीं है, और पापा हैं, तो पापा और बाबू और मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गाइस, अपना और अपने बच्चों का खास तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम मेरी अनायशा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उसको फीवर चढ़ रहा था 2-3 दिन से कंटिन्यू, तब जाके मैंने डॉक्टर के पास लेके गई फर्स्ट टाइम तो मेरे ससुर लेके गई थी डॉक्टर के पास। फिर उसके बाद जब आराम नहीं पड़ा तो मैं अगले दिन लेके गई थी, तो डॉक्टर ने यही बोला है कि अगर ठीक होता है फीवर इन से तो ठीक है, नहीं तो आपको मतलब एक इसका टेस्ट कराना पड़ेगा फीवर का, जो ब्लड टेस्ट बोलते हैं। तो भगवान की कृपा से, हमारे दादा बाबा की कृपा से अब तक तो अनायशा ठीक है। और मैं धो लेती हूँ थोड़े से बर्तन, और जब तक चाय बन के होगी रेडी। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है, और ये पहाड़ी का व्यू है जहाँ पे अक्षय का घर है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, और
बहुत ही सुंदर है। और मैं गाइस ये बताना चाहती हूँ, जो मैंने आपको बताया कि मैं रेसिपी दूंगी आपको, तो रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी इसकी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती तो इस चक्कर में मैंने वो सीन ऐड नहीं करे हैं। और रेसिपी की वीडियो ज़रूर देखना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में रेसिपी की वीडियो आपको ज़रूर दूंगी। तो गाइस व्लॉग का करती हूँ मैं यहाँ पे एंड, और अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, पता नहीं एकदम से ठंड सी लगने लग गई है और फीवर लग रहा है मुझे। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग कंटिन्यू करूँगी कल, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही मेरी वीडियो को प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।